रूबरू में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं कि रूबरू के मेहमान है देव नेगी, जिनकी पहचान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब इन्हें जानते हैं प्लेबैक सिंगर के नाम से। इनकी आवाज़ की वो कशिश जिन्हें जो कोई भी सुनता है वो रह नहीं पाता है। आपकी आवाज नेगी जी, एक बार रूबरू में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों से रूबरू होने के लिए भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले आपसे बात की थी कि जो सलमान खान की मूवी आई थी किक, उसके बाद अभी हाल ही में 2 महीने पहले एक सीरियल आया है मेरे रंग में रंगने वाली, उसमें भी आपने गाना गाया हुआ है, वो गाना भी बहुत प्यारा है। जी जी जी। तो उसका आपको किस तरह से अप्रोच किया था और उसका हाँ, ब्रेक आपको कैसे उसका मेरे को अप्रोच आया था शायद वो है राष्ट्रीय प्रोडक्शन, वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि गाना करना है आपके साथ इसका टाइटल, क्योंकि उससे पहले मैं 5-6 टाइटल गा चुका हूँ टीवी सीरियल्स की, तो उन्होंने मेरे पे फेथ किया और मुझे कॉल किया कि करना है आपके साथ, तो मैं गया और मैंने गाया जी। तो उससे आपकी उम्मीदें कितनी बड़ी? उससे उम्मीदें ये थी कि मैं तो बॉम्बे में ऐसा रहता है कि काम आ रहा है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता उम्मीद क्या है, बड़ा छोटा छोटा काम तो काम है, उस तरीके से किया जाता है। बाद में जब गाना गा चुका था उसके 1 मंथ के बाद मुझे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए उस पर, फेसबुक पे कमेंट्स अच्छे कि गाना कौन है। मैं कहीं भी जाता हूँ बाहर जब शोज़ के लिए, तो वहाँ जब उनको पता चलता कि मैंने गाया तो पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बोलती है कि ये गाना प्लीज़ आप हमको सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गाना जो गाना है पुराना गाना, सेम ही गाने का वही गाना सेम है वो, और उसमें 2-3 अंतराज जो है वो ऐड है नहीं, तो उसमें लगभग 7 अंतरे हैं, तो वो मैंने गाया है। वो जब भी आता है वो सीरियल तो उसमें उसके कोई भी सिचुएशन पे वो अंतरे अलग अलग चेंज करके बजाते रहते हैं जी। तो नेगी जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, और शादी अब तक आपकी नहीं हुई है, तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए और कब तक आप दावत देने जा रहे हैं? एक्चुअली मैं अभी तक सोचा नहीं इस बारे में कि शादी का, अभी वक्त मेरा स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत, तो अभी कुछ वक्त के बाद ही मैं शादी करूँगा जी, और बस जब भगवान जाएगा तब हो जाएगी शादी। तो जैसे आप सबने देखा कि आज रूबरू में हमारे मेहमान थे देव नेगी से हमने बहुत सारी बातें की, उनसे उनके स्ट्रगल के बारे में भी जाना, आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जाना कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, और उनके कुछ पर्सनल लाइफ में भी हमने ताका झांकी की। और एक बार नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूबरू में हम लोगों से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रूबरू में इतना ही, परी शर्मा को दीजिए इजाज़त, आप देख रही है सिर्फ और सिर्फ के चैनल।